आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है, बंद संवहनी बंडल में किसकी कमी होती है? हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, भरण ऊतक, संयोजी ऊतक, एधा और मज्जा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि संवहन बंडल क्या है। संवहन बंडल स्टूडेंट्स संवहन करने वाले ऊतकों से मिलकर बने होते हैं, अर्थात जाइलम और फ्लोएम को सामूहिक रूप से हम कह देते हैं संवहन बंडल। संवहन बंडल जो है एधा की उपस्थिति या कैम्बियम की उपस्थिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। तो हम यहां लिख देते हैं इसका आधार क्या है, इसके इस वर्गीकरण का आधार क्या है, एधा की उपस्थिति। एधा जो है यह पार्श्वीय विभ्योतक है जिसकी वजह से द्विबीजपत्री पादपों में द्वितीयक वृद्धि होती है, अर्थात मोटाई में वृद्धि होती है। तो एधा की उपस्थिति के आधार पर संवहन बंडलों को दो भागों में बांटा गया है। एक प्रकार है खुला संवहन बंडल, तो लिख लेते हैं खुला संवहन बंडल, और दूसरा प्रकार है बंद संवहन बंडल, लिख लेते हैं बंद संवहन बंडल। तो स्टूडेंट होता क्या है इसके अंदर, खुला संवहन बंडल जो है इसके अंदर क्या होगा, बाहर की ओर तो फ्लोएम होगा, तो बना देते हैं इस तरीके से, ये है फ्लोएम, तो लिख देते हैं फ्लोएम, और अंदर की ओर जो है क्या होता है इसके, जाइलम होता है, इस तरीके से बना देते हैं इसको, ये है जाइलम मान लीजिए, और फ्लोएम और जाइलम के बीच में पाया जाता है पार्श्वीय विभ्योतक या जिसे कहा जाता है कैम्बियम। तो ये हरे रंग के अंदर जो है ये है कैम्बियम या एधा, अर्थात खुला संवहन बंडल जो है स्टूडेंट्स इसके अंदर एधा पाया जाता है फ्लोएम और जाइलम के बीच में। परंतु यदि हम बात करें बंद संवहन बंडल की, तो बंद संवहन बंडल में बाहर की ओर होगा फ्लोएम, तो ये हमने ब्लू कलर के अंदर दिखा दिया ये फ्लोएम, और अंदर की ओर है जाइलम, तो ये दिखा देते हैं इस तरीके से, अंदर की ओर जाइलम इस तरीके से दिखा दिया हमने। परंतु इन दोनों के बीच में कहीं भी एधा नहीं पाई जाती, अर्थात एधा जो है अनुपस्थित होती है। तो हम लिख देते हैं एधा जो है बंद संवहन मंडल में क्या है, अनुपस्थित है, जबकि खुला संवहन मंडल में एधा क्या है, पाई जाती है, एधा उपस्थित है। अर्थात खुला इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी द्वितीयक वृद्धि होगी, क्योंकि ये पार्श्वीय विभ्योतक है, तो एधा जो है ये द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, अर्थात इसकी जो वृद्धि है ये खुली है। परंतु इसकी यदि देखी जाए तो यह बंद संवहन मंडल जो है इसके बीच में एधा नहीं पाई जा रही, इसकी वृद्धि जो है यही बंद हो चुकी है, ये आगे और मोटाई में वृद्धि नहीं करेगी। तो अब हम देखते हैं ऑप्शंस को, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है बंद संवहनी मंडल में किसकी कमी होती है, किसकी कमी है, एधा की कमी है। तो ऑप्शंस को देखते हैं, भरण ऊतक तो ये गलत है, संयोजी ऊतक ये भी गलत है, ऑप्शन सी है एधा ये सही उत्तर है, ऑप्शन डी है मज्जा ये भी गलत होगा, तो ऑप्शन सी जो है ये सही है। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।